की 29 लोकसभा सीटों को लेकर हमारे विशेष सेगमेंट आपका संसदीय क्षेत्र में हम हर संसदीय सीट के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आज बात होगी मध्य प्रदेश के चंबल अंचल में स्थित मुरैना संसदीय सीट की। मुरैना संसदीय सीट यूपी और राजस्थान से सटी लोकसभा सीट है। इस सीट पर भाजपा ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा है। नरेंद्र सिंह तोमर जिन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव ग्वालियर से जीता था, वहीं कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों के अलावा बीएसपी की अगर बात की जाए तो यहां से करतार सिंह भडाना को अपना उम्मीदवार बनाया है बीएसपी ने। चंबल के बीहड़ में विकास की रफ्तार ले आने के वायदा करने वाले राजनीतिज्ञों के बीच इस संसदीय सीट का क्या है मिजाज, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। आपने भारतीय संसद तो देखी होगी, भारतीय लोकतंत्र के इस मंदिर की एक प्रतिकृति मुरैना में भी देखने को मिलती है। कह सकते हैं कि भारतीय संसद के निर्माण की यह अवधारणा कुछ कुछ मुरैना के मितावली में स्थित 64 योगिनी मंदिर से काफी कुछ मिलती है। देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की नीति निर्धारक इमारत के निर्माण की प्रेरणा देने वाले मुरैना का अपना खास राजनीतिक इतिहास है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश सटे इस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस भाजपा के साथ साथ बसपा और अन्य पार्टियों का भी असर देखा गया है। प्रदेश की पिछले विधानसभा में मुरैना से बीएसपी के दो विधायक चुने गए थे। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की बात की जाए तो इस संसदीय सीट पर बसपा उम्मीदवार ने कांग्रेस को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर रहे थे। मुरैना श्योपुर संसदीय सीट पर 1962 से 2014 तक के 14 चुनावों में से 5 बार कांग्रेस तथा 9 बार भाजपा व उनके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की है। मुरैना संसदीय सीट में मुरैना के 6 विधानसभा और श्योपुर की 2 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। अगर वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो मुरैना की सभी 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं श्योपुर जिले की 1 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव 2019 भाजपा की तरफ से जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस ने रामनिवास रावत को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीएसपी ने करतार सिंह भडाना को मुरैना से खड़ा किया है। चुनावी जंग के लिए उतरे प्रत्याशी जनता के लिए अपनी अपनी प्राथमिकताएं तय किए हुए हैं। उसके लिए साधन बनाए जाएंगे, उद्योग लगाए जाएंगे और सबसे पानी की समस्या है ना, क्योंकि मेरे दो दो गंगा मैया होते हुए और पानी की कमी है मुरैना में, ये हमारे लिए शर्म की बात। और हमारा प्रयास रहेगा कि मिलिट्री की भर्ती का कैंप मुरैना में लगवाने की व्यवस्था की पहल हम शासन से करेंगे। यहाँ के लोग जो मिलिट्री की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं वो कम से कम यहीं भर्ती होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेना में पहुँचेंगे। देखिए आप मुख्य रूप से बाकी जो मौलिक आवश्यकता के काम हैं वो लगभग काफ़ी हो गए और विकास की निरंतर प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, विकास होगा, क्योंकि विकास और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय है। मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र की अपनी खासियतें हैं। एशिया की एकमात्र प्रदूषण मुक्त नदी चंबल के किनारे बसे मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र को पीले सोने की खदान कहा जाता है। दोनों ही जिलों में सरसों की खेती प्रमुखता से की जाती है। मुरैना के ईती पर्वत पर स्थित शनि मंदिर की श्रद्धालुओं के बीच खास आस्था है। वही मुरैना के बटेसुरा में शिव मंदिर की श्रृंखला है। करीब 400 से अधिक मंदिर हैं, जिनके जीर्णोद्धार का काम जारी है। बात अगर श्योपुर की जाए तो यहाँ शेरों के लिए प्रसिद्ध कूनो अभ्यारण बनाया गया है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक कुपोषित जिलों में से एक श्योपुर ग्रामीण आदिवासी बहुल जिला है। उत्तर दक्षिण एवं पश्चिम पूर्व भारत को सड़क मार्ग से जोड़ने वाला मुरैना सड़क और रेल मार्ग से भली प्रकार कनेक्टेड है। हालांकि इसके बाद भी यहां के नागरिकों की बुनियादी समस्याएं जस की तस है। रोजगार का अभाव, बेहतर शिक्षा संस्थान न होना और स्वास्थ्य की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण नागरिक काफी परेशान है।
इलाके के युवा चाहते हैं कि दिल्ली में बैठा उनका प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से हल कराने का भरोसा दिला सके। प्रत्याशी ईमानदार होना चाहिए और उसकी जो जनता की मूल सुविधाएं उसका ख्याल रखना चाहिए। विकलांग होने के बावजूद भी जाएंगे वहाँ पर और मतदान करेंगे। मतदान तो हमारा अधिकार है, सभी का अधिकार है। हमारी समस्या को अपनी समस्या समझ काम करे उस पर और हमारी जो हम चाह रहे हैं उसमें खरा उतरे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं गरीबों की आम जनमानस की समस्याएं को लेकर समाधान करे। इस संसदीय सीट पर सुगम और सुव्यवस्थित मतदान को लेकर चुनाव आयोग के तत्वाधान में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में मुरैना संसदीय सीट के हर मतदाता की भागीदारी हो सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग हर संभव कोशिश कर रहा है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिले में अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मतदाताओं को भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई जा रही है। मतदान केंद्र तक मतदाता को स्वतः ही आना चाहिए क्योंकि ये इनका दायित्व है। किसी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन का कोई ये नहीं होता है। केवल मात्र जो हमारे दिव्यांग मतदाता है उनके लिए कार्यक्रम चल रहा है घर से घर तक। वहाँ जितने हमारे दिव्यांग मतदाता इस चीज के लिए अपने आप को रजिस्टर करेंगे और हमें इंटीमेट करेंगे कि उनको घर से घर तक लाने की सुविधा देनी है, उनको हम जरूर मुहैया कराएंगे। मुरैना संसदीय सीट पर आगामी 12 मई को मतदान किया जाना है। लोकतंत्र के महापर्व में जीत के लिए सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर जोरदार प्रचार में जुटे हैं। सभी राजनीतिक प्रत्याशी क्षेत्र के मतदाताओं को लुभावने वायदे कर अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता 23 मई को किसके पक्ष में अपने मतदान करेगी। मुरैना से उपेंद्र गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD News, भोपाल।